हे व्हाट इज अप गाइस, दिस इज बॉय वीके सिंह। तो कैसे हैं आप लोग? और आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस व्हीकल की, तो उसको पूरा देखना। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। और चलो इसका रिव्यू, मैं पहली बार रिव्यू ट्राई कर रहा हूँ एक प्रॉपर वाला, तो पहले इसके फटाफट बी रोल्स देख के और फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, आज मैं रिव्यू लेके आया हूँ एक्टिवा 6G की। तो ये इंडिया के सबसे गर्मा गर्म ट्रेंडिंग में रहने वाली स्कूटर है जो सबसे ज़्यादा बिकती है, तो आज इसका रिव्यू करते हैं। तो आप हमको बताना, ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इस टाइप की वीडियो मैं और लाऊंगा, कभी कार कभी बाइक, सारी बाइक सारी कार्स का मैं ट्राई करूंगा रिव्यू देने के लिए। पहले आज एक्टिवा से स्टार्ट करते हैं, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे साथ इंगेज होना चाहते हैं, मेरे डेली लाइफ वीडियोज़ के मतलब क्या अपडेट्स हैं जानना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो कैमरा मैन से कैमरा मैं खुद अपने हाथ में लेता हूँ और आपको चलिए पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप ये मेरे सामने देख पा रहे हो, ये है एक्टिवा 6G, जैसे कि आप यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और लेट मी स्विच ऑडियो टू माय एंड्रॉयड फ़ोन। तो कुछ इस टाइप से इस बाइक की चाबी मिल जाती है, बाइक कह लो स्कूटर कर लो। और उससे पहले आप यहाँ पर जो ये मिलता है, ये मैग्नेटिक होता है, इससे आपको पहले ये लॉक खोलना होता है। यू हैव टू पुट इट इन साइड लाइक दिस और फिर आप इसको अपना। तो गाइज, आप यहाँ पर चाबी प्लूट करने के बाद पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से बिल्कुल नहीं है, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये इसको चिपका देते हैं। यहाँ पे मिल जाता है इंजन वार्निंग लाइट, फिर यहाँ पे मिल जाता है आपके डिपर का लाइट, और इसका मैक्स स्पीड 100 दिखा रहा है लेकिन ये जाती 90-95 तक जाती है। फ्यूल टैंक में बता दें कितना फ्यूल बचा है आपका, इसका टैंक कैपेसिटी मेंशन कर दे रहा नीचे। और आगे इसमें मिल जाता है, आप देख सकते हो इसमें ड्रम ब्रेक मिलता है, इधर से देखो आप इसमें ड्रम ब्रेक आते हैं इसमें। और इसका शॉकर की जो ब्रेथ है हाइट है मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ स्क्रीन पर, आप वहाँ से देख सकते हो। और सामने से इसकी कुछ LED लाइट मिल जाते हैं, मैंने इसको ये आप LED लाइट इसका देख पा रहे हो। फिर ये हो गया इसका पास, फिर इसके दो ORVMs आ जाते हैं जिससे आप पीछे देख सकते हो, और ये रहा तुम्हारा भाई। और एक साइड एक लेफ्ट आ जाता है, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इसके स्विच, आपके जो भी हेडलाइट होते हैं उसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको इंडिकेटर का कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे जो शो करता है राइट के लिए राइट में। फिर ये बाय द वे ये स्कूटी इसी से बिलोंग करती है, ये स्कूटी इसी की है, और इसके पास एक BS6 पल्सर भी है। तो यहाँ पे इसका सीट खुल गया है, इसकी डेप्थ। और इसमें एक मेरे को सबसे बड़ी डिमेरिट लगती है, क्योंकि इसके जो भी कंपटीटर उनमें चार्जिंग वोल्ट भी दे देते हैं, लेकिन इसमें जो है कहीं भी चार्जिंग वोल्ट नहीं आता, बस इसकी टूल किट आती है और एक फर्स्ट एड बॉक्स आता है इसमें, बस दैट्स इट। और अच्छा खासा बहुत ये मतलब घर के लोग मतलब ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं इसका, बहुत डीप रहता है इसका जो बूट कह सकते हो आप। फिर वहीं से ही आप इसकी वो खोल सकते हो फ्यूल लीड, तो देखो यहाँ से इसका फ्यूल लीड खुल चुका है। फ्यूल कैपेसिटी मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ स्क्रीन पर, आप वहाँ से देख सकते हो। और बात करते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट को, तो डॉक्टर अब स्टार्ट करके बताया कि मैं आपको एग्जॉस्ट नोट दे दे रहा हूँ। पीछे के टायर साइज मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, आप देख लो यहाँ पे। और पहले एग्जॉस्ट नोट सुनो, बहुत ज़्यादा साइलेंट है ये, बहुत ज़्यादा साइलेंट है पहले से। कंपनी क्लेम करती है बहुत साइलेंट है इसका इंजन, पहले से बहुत ज़्यादा रिफाइंड हो चुका है, क्योंकि ये जो है BS6 अवतार में आ रही है, तो BS6 यहाँ पे आपकी बैजिंग मिल जाती है, BS6 यहाँ पे एक्टिवा 6G की बैजिंग मिल जाती है। सेम अदर साइड भी यहाँ आपको एक्टिवा 6G की बैजिंग मिल जाती है। और बाकी यहाँ पर टायर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है, कितना PSI आगे प्रेशर रहेगा या कितना PSI पीछे प्रेशर रहेगा इसका। अच्छा,
यहाँ पे आपको मिल जाता है लगेज हुक, जिसमें आप अपना लगेज कैरी कर सकते हो उसमें हैंग करके, और अच्छा खासा इसमें लेग रूम मिल जाता है। मैं बैठ के दिखा देता हूँ, इसके लेग रूम भी अच्छे खासे हैं। मैं 6 फीट 1 इंच का हूँ और मेरे पैर आप देख लो बिल्कुल कंफर्टेबली इसमें आते हैं, क्योंकि ये बेस्ट स्कूटर मानी जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा सेल होती है तो ज़रूर बेस्ट तो है ही। और आपके पिलियन के लिए भी यहाँ पे मिल जाता है फुटरेस्ट, और ये यहाँ पे भी फुटरेस्ट है पिलियन के लिए, अगर कोई लेडीज़ बैठती है तो उसके लिए फुटरेस्ट है। इसको भी वापस से फोल्ड कर देते हैं, और इसमें बाय द वे ये सारे इसके जो गार्ड्स होते हैं ये कंपनी के साथ एक्सेसरीज में लगवाए जाते हैं, तो ये अलग से इंस्टॉल कराया हुआ है। और इसके ऊपर भी एक्टिवा की बैजिंग मिल जाती है आपको, अगर आप मतलब नहीं जानते हो तो मैंने बता दिया। अभी तक इसके नंबर भी नहीं आया है। और इसका एक स्पेशल फीचर मैं आपको बता देता हूँ गाइस, यहाँ पे इसका हैंड ब्रेक आता है। ये हैंड ब्रेक, ये देखो ये इसका हैंड ब्रेक होता है, मैं जूम मारता हूँ, अब ध्यान से देखो, ये इसको हैंड ब्रेक बोलते हैं ये वाला। ये अप्लाई करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, इसको पूरा पुश करो और ऊपर इसको रिलीज करो, ये हैंड ब्रेक आपको लग चुका है। अब गाड़ी जो है आपकी जैसे कार में हैंड ब्रेक होता है सेम, आप यहाँ से आप चेक कर सकते हो, देखो ये लॉक हो चुका है, ये मैं कितना भी अप्लाई करूँ मूव नहीं हो रहा है। तो इसको रिलीज करने के लिए कुछ नहीं, आपको बस ये दबाना है वो नीचे हो जाएगा। तो ये काफ़ी वीडियोस में बहुत लोग कवर नहीं करते हैं, तो मेरे को भी नहीं पता था, तो इसने मुझे बताया तो मैंने सोचा कि हाँ मैं भी कवर कर लेता हूँ अपनी वीडियो में। और यहाँ पे आपको सेफ्टी पर्पस के लिए ये आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड रिफ्लेक्टर आपको आते हैं इसके साथ प्री लोडेड। इसमें आफ्टर मार्केट में बस इसके ये ग्रिल्स लगे हैं, दैट्स इट, और कुछ आफ्टर मार्केट लगा नहीं है। साथ ही साथ आपको ये इसका इंजन मिल जाता है, और यहाँ पे है इसका इंजन का किक, जैसे अगर आपकी गाड़ी सेल्फ नहीं ले रही है तो आप किक से भी स्टार्ट कर सकते हो। और टायर मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट टायर साइज मैं दिखा देता हूँ, ये 90-110 टायर साइज इसका मिल जाता है आपको, ट्यूबलेस टायर आते हैं इसमें। आगे का मैं बता देता हूँ आपको, आगे का जो इसका टायर साइज है आगे है 90-90-12 है, और आगे वाला भी ट्यूबलेस आपको मिल जाता है। टीवीएस के टायर्स हैं इसको, इसके साथ टीवीएस के टायर्स आते हैं गाइज। तो इसका टेस्ट राइड करके मैं आपको दिखा देता हूँ, बताता हूँ इसका सीट कंफर्ट, बाकी राइडिंग हैंडल कैसी है, मनूवर करती है। चलो आप थोड़ा दूर ज़्यादा दूर जा नहीं, इंजन इसका बहुत साइलेंट है और ब्रेकिंग भी ज़बरदस्त है। पहले इसके वजह ये इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइन हो चुका है, मैंने पहले 3G भी चला रखी है, 4G भी चला रखी है, 5G भी चला रखी है, ये वाला बहुत साइलेंट इंजन है। पहले से लाओ कैमरा मुझे दो कैमरामैन। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, इसका फ्यूल लिड और आप सीट यहीं से खोल सकते हो, इस पर आपको स्विच करना है फ्यूल और सीट पर, और जो आप पुश करो ऊपर पुश करोगे तो फ्यूल लिड खुल जाएगा, नीचे पुश करोगे तो आपका सीट खुल जाएगा। तो आप दोनों खुल चुका है, मैं दिखा देता हूँ, मैं मेंशन करना भूल गया था, तो आप देख लो यहीं से वहीं से बहुत इजी है। पहले इसका जो सीट के अंदर आता था, मैंने सीट खोला नहीं है, यहाँ पहले इसका जो फ्यूल कैप है यहाँ पे दिया जाता था, लेकिन अब कंपनी ने बाहर देखा बहुत अच्छा किया, क्योंकि जो बुढ़े लोग होते थे वो इस पर अच्छे से मतलब उनको बार बार उतरना पड़ता था फ्यूलिंग कराने के लिए, अब नहीं करानी पड़ेगी, मतलब अच्छा फीचर लगा। और आप चाबी निकालने के बाद इसको ऐसे करके क्लोज भी कर सकते हो। थैंक यू।